तो हैं, लेकिन आपको पता है कि विराट कोहली दिलों में बसता है और शुभमन गिल जो है वो दिलों में बसता है, केएल राहुल अब दिलों में बसते हैं, उन लोगों ने जिस तरह की ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वहाँ आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया को या फिर अफगानिस्तान को? इंडिया को। थैंक्स। वर्सेस अफगानिस्तान, इस मैच में आप किसको सपोर्ट करेंगे और क्यों? इस मैच में फेवरेट तो इंडिया है क्योंकि वो बहुत होम। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल युवा जेके रिपोर्टर में। तो देखिए गाइस, आज आपके लिए वीडियो जो रिकॉर्ड की है, जो हमने तैयार की है, वो है पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर जो वाल पब्लिक से बात कर रहे हैं और इंडिया और अफगानिस्तान के मैच के बारे में रिएक्शन ले रहे हैं। और तो हमने सोचा क्यों ना हम आप तक ये वीडियो पहुँचाए और हम अपने व्यूज़ आपको लास्ट में बताएंगे। लेकिन जो रिएक्शन पाकिस्तानियों ने दी है इंडिया और अफगानिस्तान के मैच पे, तो इंडिया वालों के लिए एक अच्छी और खुशी की बात है कि लोग जो है विराट कोहली और जो इंडियन प्लेयर्स को पूरा सपोर्ट करते हैं। और आप देखेंगे वीडियो में किस तरीके की वो बात कर रहे हैं, तो मिलते हैं लास्ट में जाकर। इमरान, वर्ल्ड कप का एक और बड़ा टाकरा इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान होने जा रहा है, एज अ पाकिस्तानी आप किसको सपोर्ट करेंगे? दोनों हमारे रवायती हरीफ हैं। रवायती हरीफ तो हैं, लेकिन आपको पता है कि विराट कोहली दिलों में बसता है और शुभमन गिल जो है वो दिलों में बसता है, केएल राहुल अब दिलों में बसते हैं। उन लोगों ने जिस तरह की परफॉर्म करके क्रिकेट खेल के पिछला मैच हमें हमारा दिल जीता है, हमने ये नहीं देखा कि वो दुश्मन मुल्क है, लेकिन उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस जो सिर्फ जो है ना हम सबको बड़ा इंप्रेस किया। तो हम लोग तो दोनों कंट्रीज़ की तरफ से जो है बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद रखते हैं, उम्मीद करते हैं कि अच्छा होगा कंटेंट। और जो राशिद खान है अफगानिस्तान की तरफ से, वो मेरा बड़ा फेवरेट बॉलर है और मैं स्पिनर्स में अगर किसी फर्स्ट टॉप 5 बॉलर्स में किसी को समझता हूँ तो वो राशिद खान को समझता हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो मेरा ख्याल है कि मैं दोनों को कंपैरेटिवली जो है वो सपोर्ट करूंगा। विराट का नाम आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया को या फिर अफगानिस्तान को? इंडिया को। इंडिया को क्यों कर रहे हैं और अफगानिस्तान को क्यों नहीं कर रहे? यार अफगानिस्तान हमारे साथ इस तरह कहता है जैसे मतलब अच्छी तरह नहीं कहता, इंडिया फिर भी इंडिया के साथ फ्रेंडली रिलेशन है और इसलिए इंडिया के साथ फ्रेंडली रिलेशन है। क्या बोला तूने? मतलब हमारे मैच के दौरान हमारे प्लेयर्स का उनके साथ इस तरह है कि इंडिया को सपोर्ट करना। आपने मुझे हैरान कर दिया था ये कह के, मैं भी सोचने पर मजबूर हो गई थी कि इंडिया के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप हमारे कब और कैसे होगा। हमारा फ्रेंडली रिलेशन हमारी टीम के दौरान, टीम के मैच के दौरान फ्रेंडली होता है, लेकिन ये पॉलिटिक्स डर्टी है और ये सारा है। मैं उस हिसाब से नहीं कह रहा, मैं मैच के वे में कह रहा हूँ जो मैच के दौरान हमारा होता है। मजा आया। अफगानिस्तान से क्या खारबाजी, हम अपना रवायती हरीफ जो है वो तो इंडिया को समझते थे, लेकिन अब अफगानिस्तान कब से बन गया? यार अफगानिस्तान आप देखें पिछले मैचेस उठा लें, उनमें हम हमारे साथ वो इस तरह खेलती है कि मतलब फुल जान लगा देती है हमारे साथ। और इंडिया इंडिया के साथ तो यार अग्रेशन अपना होता है, लेकिन अफगानिस्तान के साथ जिस तरह खेल रहे हैं हम पिछले कुछ मैचेस में, उसके बाद से इंडिया को सपोर्ट करना बनता है इस मैच में। तो अफगानी मुझे लगता है कोई और गुस्सा हम पे मैच के दौरान निकालते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे गजब बेइज्जती है उनके अग्रेशन और हर चीज़ से पता लगता है ये चीज़। तो इंडिया से, इंडिया के मैच में भी अग्रेशन होता है हमारे इंडिया के मैच में, लेकिन उस हिसाब से कम। वर्सेस अफगानिस्तान, इस मैच में आप किसको सपोर्ट करेंगे और क्यों? इस मैच में फेवरेट तो इंडिया है क्योंकि वो बहुत होम ग्राउंड भी है उसके और वो टीम भी बहुत मजबूत है, लेकिन हर कोई कमजोर टीम को सपोर्ट करता है, तो अगर एक अफगानिस्तान जीते जो अच्छा होगा, एक वर्ल्ड कप के लिए अच्छा मैच होगा, एक मेमोरेबल मैच होगा। क्यों आप अफगानिस्तान को जीतते हुए क्यों देखना चाहते हैं? नहीं, फेवरेट तो इसके लिए इंडिया है, लेकिन अफगानिस्तान जीते तो एक एक इस तरह मैच वर्ल्ड कप में हो जाता है तो बहुत मेमोरेबल वर्ल्ड कप हो जाता है, तो इसलिए अफगानिस्तान टीम भी अच्छी है, स्पिनर भी उनके अच्छी है और उनके बैटिंग भी बहुत स्ट्रांग है, तो लग सकता है कि अफगानिस्तान टफ टाइम देगा उनको। बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो तो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं और अफगानिस्तान को अपना रवायती हरीफ समझ रहे हैं। अगर कल का मैच अफगानिस्तान जीता तो 14 तारीख को पाकिस्तान का भी मैच है ना इंडिया के साथ। अच्छा। तो उनका भी कॉन्फिडेंस डाउन होगा इंडिया का, तो पाकिस्तान के लिए भी अच्छा हो सकता है, पाकिस्तान को आसानी से शिकस्त दे सकता है। यानी कि आपको लगता है कि कल का मैच अगर अफगानी जीते तो इंडिया का कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा? नहीं नहीं, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, ओके। अच्छा, हमको सिखा दिया है जी, तो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, पाकिस्तान आसानी से इंडिया को हरा जाएगा। यानी आप कल इंडिया को हारते हुए देखना चाहते हैं? मैं हारते हुए देखना, लेकिन फेवरेट है, लेकिन अगर हार जाए तो अच्छा होगा। इंडिया ने पिछले दिन ऑस्ट्रेलिया का जो हाल किया वो आपने नहीं देखा?
वो देखा था, लेकिन वो तो उनके साथ कोहली था ना, कोहली तो अगर कोहली को विकेट बंदा ले ले तो वो तो फिर जीत भी सकते हैं। वो तो 2/3 आउट हो गए थे, कोहली ना होता तो वो जीत जाता, लेकिन कोहली एक लेजेंड है, एक प्लेयर है, अगर उसका उस दिन विकेट ले लेते तो अफगानिस्तान भी जीत सकता है। तो विराट कोहली तो कल के मैच में भी खेल रहे हैं, अफगानियों का क्या होगा? नहीं खेल तो रही है वो तो ठीक है, लेकिन अगर विकेट ले लेना उनके साथ स्पिनर अच्छी है तो उनको स्पिन पर फोकस करेंगे ना कि उनको पहले आउट कर ले, अगर विकेट ले ले तो उनके मैच उनके हाथ में आ जाएगा। तो ठीक है गाइज, दीजिए इजाज़त। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियोज़ अगर आपको और देखनी है तो भाई चैनल को तो लाइक करना ही पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इसके अलावा भाई जी, अगर और जो आपको वीडियोस पसंद आए हमारी तो भाई शेयर ज़रूर करें और देखें आप किस तरीके से जो पाकिस्तानी पब्लिक है वो किस तरीके की रिएक्शन जो है इंडिया और अफ़गानिस्तान के मैच के बारे में दे रही है। तो बाकी जो और अपडेट होंगे और अच्छी वीडियोस होंगी तो आपके लिए लाएंगे। तो मिलते हैं बाद में। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।